हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट द क्वेश्चन से इज विच अमंग द फॉलोइंग इज़ इन करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जिम्नोस्म तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है इन करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जिमनोसम ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन में हमें पहला दिया हुआ है माइक्रोस्पोरोफिल आर स्पायरली अरेंज टू फॉर्म स्ट्रोबिली तो जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं वो स्पायरली अरेंज होते हैं ताकि वो स्ट्रोबिली का फॉर्मेशन कर सकें और स्ट्रोबिली जो है वो फॉर्म करती हैं कौन शेप स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बी देख लेते हैं बी में हमें दिया हुआ है माइक्रोस्पोरेंजिएट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज मेल स्ट्रोबलाई तो बच्चों बिल्कुल सही बात है जैसा कि हमने स्टेटमेंट वन में देखा जो स्ट्रेबलाई होते हैं वो कौन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम माइक्रोस्पोरेंटिएट बोलते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि माइक्रोस्पोरेंजिएट इज ऑल्सो कोल्ड एज मेल स्ट्रोबलाई तो बिल्कुल सही दिया हुआ है बिकॉज दे कंटेन माइक्रोस्पोर्स दैट फॉर्म्स मेल गमीटोफाइट तो बच्चों बिल्कुल सही है यहाँ पर इसे हम मेल स्टोबेलाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइक्रो फोर्स को कंटेन uh, करता है और जो आगे चल के क्या बनाते हैं मेल गमीटोफाइट को फॉर्मेशन करते हैं तो इसे हम मेल uh, मेल uh, जो है मेल गेमीटोफाइट के फॉर्मेशन की वजह से ही हम इसे क्या बोलते हैं मेल स्टोबलाई बोलते हैं और अगर हम बात करें यहाँ पर मेल की तो फीमेल का भी हमें पता होना चाहिए तो फीमेल स्ट्रोबलाइज जो है स्टोबलाई उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रो ये यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सी हमें दिया हुआ है गेमीटोफाइट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली दैट इज़ फ्री लिविंग तो बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि जो तो गेमीटोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म्स के केस में वो इंडिपेंडेंटली या फ्री लिविंग एग्जिस्ट नहीं करता फ्री लिविंग फॉर्म में नहीं होता बल्कि आप अगर बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की ब्रायोफाइट्स की या टेरिडोफाइट्स की या टेरिडोफाइट्स की इन दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा कि जो केमीटोफाइट है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है यानी फ्री लिविंग फॉर्म में आपको देखने को मिलता है तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है विथ रिस्पेक्ट टू योर जिम्नोसपम्प अब यहाँ पर ऑप्शन डी देख लेते हैं ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है मैक्रोस फोर एंड माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड माइक्रोस्पोरेंजिएट ऑलवेज एग्जिस्ट विद इन द सेम प्लांट तो बच्चों ऑलवेज नहीं होगा कुछ केसेस में जो तो है सेम प्लांट पे एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि पाइनस पाइनस की बात करें तो ये उसमें सेम प्लांट पे एग्जिस्ट करते हैं बट वहीं अगर हम दूसरे प्लांट की बात करें जैसे कि साइकस की बात करें साइकस की बात करें तो जो माइक्रोस्पोरेंजिएट होता है और मैक्रोस्पोरेंजिएट होता है ये डिफरेंट प्लांट पे होते हैं डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं तो ऑलवेज यहाँ पर गलत यूज़ करा गया है तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा रिगार्डिंग जिम्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमें इनकरेक्ट बताना था तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होप आप लोगों को ये सल्यूशन समझ में आया हो बच्चों थैंक यू ऑल द बेस्ट